बम बम हम सम तम तम बम बम हम बम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शिम शिम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावि द्रावि नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन्जिनिवेशामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवार्धि रूप के स्नप्यम जनांतान जनान सर्वार्थ सिद्धितान। ओम ह्रीं शिवेश्वादेवीरांतान जले निष्प्यामती स्वाहा। ओम ह्रीं शिवेश्वादेवीरांतान जले निष्प्यामती स्वाहा। ओम ह्रीं शिवेश्वादेवीरांतान जले निष्प्यामती स्वाहा। ओम ह्रीं शिवेश्वादेवीरांतान जले निष्प्यामते स्वाहा। ओम ह्रीं शिवेश्वादेवीरांतान जले निष्प्यामती स्वाहा। ओम ह्रीं शिवेश्वादेवीरांतान जले निष्प्यामती स्वाहा। ओम ह्रीं शिवेश्वादेवीरांतान जले निष्प्यामती स्वाहा। ओम ह्रीं शिवेश्वादेवीरांतान जले निष्प्यामते स्वाहा। ओम ह्रीं शिवेश्वादेवीरांतान जले निष्प्यामती स्वाहा। ओम ह्रीं शिवेश्वादेवीरांतान जले निष्प्यामती स्वाहा। ओम ह्रीं शिवेश्वादेवीरांतान जले निष्प्यामते स्वाहा। नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम पापम खंडे खंडे जही जही द द पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरम झम झीम शीम हम स जव हव पह छाम छीम छूम छे छो छम छ छीम राम भ्रीम रूम रेम रोम रम रह द्राम द्रीम द्रावि द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते थ ठ अस्माकं संत श्रोमणे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिरास संगस्य श्रीमान सुयश शीतल जी जमगे कुंथलगिरी निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान अनय अनुदीप यम्बल शिड़सा पुर्निवासी समस्त परिवारस्य सकल दिगंबर जैन समाज सिरपुरस्य श्रीरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु सदास्तु स्वाहा। समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्ठि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य श्री शांति भट्टारक पद्मपद प्रसादात सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ईश्वर विवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। दिगंबर मान्य परंपरा में स्वतंत्रता का पूर्ण रूपेण सम्मान किया गया है और हम दिगंबर परंपरा ही न बोल करके यूँ बोल दें कि जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों में ही स्वतंत्रता का काफ़ी महत्व बताया गया है और स्वतंत्रता हर आदमी को मिलना चाहिए। नारी स्वतंत्रता के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं तो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि दिगंबर लोग नारी को महिला को मुक्ति नहीं मानते मोक्ष नहीं मानते हैं इसलिए वो नारी का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों से मैं एक बात आगाह पूर्वक कहना चाहता हूँ कि दिगंबरों ने नारी के कभी अपमान की बात सोची ही नहीं है। चंदनवाला का सम्मान है सीता का सम्मान है और सतियों का सम्मान करते हुए यहाँ तक कि हम सतियों के लिए बहुत बड़ा पूज्य भी मानते हैं। सवाल इस बात का है मोक्ष की बात एक अलग होती है योग्यता की शरीर की योग्यता होती है नारी की कभी मूछ दाढ़ी नहीं हो सकती कितनी वो कोशिश कर ले तो नहीं होगी। अब महिला के लिए स्वतंत्र होना चाहिए लेकिन स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत अंतर है। अपनी साधना अपनी चेष्टा अपनी सब कुछ करने के लिए महिला को स्वतंत्र होना चाहिए। पर्दा प्रथा महिला के लिए लागू नहीं होती है। मैं पर्दा प्रथा पर कोई विश्वास नहीं रखता हूँ लेकिन अंग प्रदर्शन एक स्वच्छंदता के अंतर्गत आ जाता है जो आए दिन हमारे और आपके सामने आ रहा है। भद्रे वस्त्र पहन करके यदि महिला मंदिर में आती है तो उसे कोई भी रोक सकता है। यह कानूनन दृष्टि से भी गलत नहीं होगा। जैसे ड्रेस कोड हर जगह होता है तो कपड़े हमारे स्वतंत्र हों हम कोई भी रंग के कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं लेकिन स्वच्छंद ना हो ताकि अंग प्रदर्शन होने लगे। अब रहा सवाल अंग प्रदर्शन करने की। अगर स्वच्छंदता आ जाएगी तो सामाजिक दृष्टिकोण हमारे संपूर्ण तहस नहस हो जाएंगे। अब हमारे लिए एक देखना ये है कि ये हमारी स्वतंत्रता खाने की स्वतंत्रता
पहनने की स्वतंत्रता, बैठने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, वाणी की स्वतंत्रता भी होना चाहिए, लेकिन स्वच्छंदता तो नहीं हो सकती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है पर अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता नहीं हो सकती। बोलने में अगर कोई किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करने लगता है या अनाप शनाप बोलने लगता है तो उसे कोई भी रोक सकता है। जैसे हमारे विधानसभा में या लोकसभा में, संसद में, कि हर सांसद को बोलने की स्वतंत्रता होती है।